अगर आपने मेरे चैनल फैजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके होटल क्वारंटाइन के बारे में। तो यूके गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि जो पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रहे हैं यूके 9 अप्रैल के बाद, तो वो 10 दिन का स्टे करेंगे वहाँ की स्पेसिफिक जो होटल्स हैं उसके अंदर, और 1750 पाउंड पर पर्सन पे करेंगे। और ये जो है पाकिस्तानियों के लिए और जो के वहाँ के नेशनल हैं, सिर्फ उनके लिए जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं और यूके नेशनल भी हैं, और ये सिर्फ उनके लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर की जाएगी आपसे जो जितनी हो सकी। और ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फैजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो होटल का फूड और वहाँ की जो सहूलियात हैं उन तमाम की वीडियोस जो है वो बनाई जाएँ और आपके साथ शेयर की जाएँ, और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपकी रहनुमाई हो सके, आपको फ़ायदा हो सके, अगर जो कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं ख़ासतौर पर उनके लिए। तो ये लंदन के जो एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं अभी वहाँ के होटल की तरफ, लंदन हीथरो एयरपोर्ट, तो ब्लू रेडिसन एडवर्डियन के नाम से होटल है जहाँ स्टे किया हुआ है। ये ऑनलाइन तमाम बुकिंग होती है और आपने ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। और होटल क्वारंटाइन के दौरान 2nd डे और 8th डे, day 2 और day 8 में जो आपका जो कोरोना टेस्ट होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे हुई मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये एयरपोर्ट से आपको ख़ुद ही अपनी ट्रांसपोर्ट में लेके जाएंगे होटल तक, या आप जैसा कि देख सकते हैं। तो वापसी भी 10 डेज़ के बाद ये आपको वापसी एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे अपनी ट्रांसपोर्ट में, और सामान वगैरह के लिए भी इनके पास जो है स्टाफ मौजूद होता है, ख़ुद ही लेके जाएंगे ये। हम पहुँच चुके हैं ब्लू रेडिसन होटल, आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको रूम का जो रिव्यू देने लगा हूँ जो कि ब्लू रेडिसन होटल का रूम है, ये देख सकते हैं। ये मेन गेट है और ये कोई मीटर लगा हुआ है, इसको अगर आप हाँ जो है लॉक कर देंगे तो बाहर से कोई भी जो है नहीं खोल सकता डोर। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एंड ये स्विचेस लगे हुए हैं, ये वॉशरूम का है। और ये कार्ड, इसको की भी बोल सकते हैं, ये कार्ड है रूम की लाइट्स का। ये जैसे ही हम इसको निकालेंगे आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑफ हो गई हैं रूम की, इंसर्ट करने से रूम की लाइट जो है ऑन हो जाती हैं, ये लिखा भी हुआ है इंसर्ट रूम की। और जो नीचे जो बोर्ड लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये बटन जो है डू नॉट डिस्टर्ब है, अगर ये मैं ये ऑन कर दूंगा तो इसका मतलब है कि बाहर जो मेन रूम का जो गेट है उसके बाहर जो लाइट जल जाएगी, इसका मतलब है कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी आएगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये रूम का डिमर है, इसको घुमाने से आप देख सकते हैं कि लाइट डिम हो गई है, और ऐसे करने से सारी लाइटें जल गई हैं, यानी कि कुछ लाइटें इसमें तो ऑफ हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये 2 लाइट्स जो हैं ऑन है, ये इसको घुमाने से 2 लाइट ऑन रह गई, और ये 2 भी यहाँ से ऑफ, आपके बेड के पास इसका बटन है, ये इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं आप, या ये सारी चला भी सकते हैं वहाँ से भी ऑप्शन। सो ये वाशरूम का डोर है, तो चलें वाशरूम भी दिखा देते हैं आपको। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाशरूम बना हुआ है, टिशू रोल लाइट, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाशरूम है। लग्जरी, ये स्विचेस लगे हुए हैं चार्जिंग वगैरह के लिए, और ये टेप है, एक तरफ करने से ठंडा और एक तरफ करने से गर्म पानी आ रहा है। और मेट वगैरह रखे हुए हैं, टॉवल, ज़बरदस्त लग्जरी किस्म का वॉशरूम, हर चीज़ अवेलेबल है। ये टॉवल देख सकते हैं आप बाथ के लिए, ये बाथ मेट भी है, और
ये टैब देख सकते हैं, अगर आपने बाथ लेना है और शावर लेना है तो शावर ले सकते हैं, बाथ लेना है तो बाथ ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये कबर्ड है सामने, और इनके ये तीन खाने बने हुए हैं। ये दरवाज़ा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था ऊपर टावल ऊपर वाले खाने में, और ये लॉकर है तिजोरी, आके डॉलर शॉलर हों तो इसमें रख सकते हैं, कोई ख़जाना वगैरह हो तो रख रहे हैं इसमें। और ये वाइप टिशू, आयरन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है फाइव स्टार होटल में। ये स्टैंड है कपड़े वगैरह के लिए, ये बेड देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त किस्म का 2% बेड, और साइड टेबल भी रखे हुए हैं, और सामने स्विचेस लगे हुए हैं दोनों तरफ लाइट्स के लिए देख सकते हैं। एंड ये विंडो है बाहर की, व्यू चेक करने हो तो ये पर्दा हटा दें, और बाहर ज़बरदस्त व्यू है, बारिश होके हटी है, दो तरह के इन्होंने कर्टन लगा दिए हैं, एक रोशनी के लिए, और अगर आपको रोशनी नहीं चाहिए तो दोनों कर्टन आगे कर सकते हैं आप। ये देखें बाहर के व्यू, ये आप देख सकते हैं एक लाइट और एक ये एक और कर्टन, इससे रोशनी वगैरह अंदर नहीं आएगी। और ये और टेबल है, चेयर वगैरह पड़ी हुई है, गोल टेबल, डाइनिंग टेबल, और यहाँ भी फ़ोन, स्विचेस और टिशू का डब्बा रखा हुआ है। और ये एक और टेबल देख सकते हैं आप, ये कबर्ड पर एलसीडी लगी हुई है, बॉटल्स वगैरह ऊपर रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये चीज़ें वगैरह जो फ्रूट्स हैं, दूध, कैटल, कप, शुगर, कॉफ़ी, इंग्लिश चाय, जो भी जो आप बनाना चाहते हैं, ये हर चीज़ अवेलेबल है। और दूसरे कबर्ड में आप देख सकते हैं फ्रिज है, छोटा सा स्मॉल साइज़ फ्रिज, इसमें ये दूध और योगर्ट और कुछ फ्रूट वगैरह रखने के लिए। ये हो गया बंद, ये देख सकते हैं आप ये, और ये स्टैंड है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और ये हीट के लिए लगाया हुआ है, यहाँ से इसका टेम्परेचर वगैरह आप ये सेट कर सकते हैं। सो ये रूम था होटल क्वारंटाइन के लिए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने मेरे चैनल फैजी टीवी को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आपने मेरे चैनल फैजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।